मित्रों, देश के कई स्थानों पर रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान दंगा हुआ है और इस दंगे का सच कुछ इस तरह से सामने आया है कि कांग्रेस पार्टी, इंडी अलायंस और ममता बनर्जी का जो पूरा प्रोपेगेंडा है उसकी पूरी पोल खुल गई है। मित्रों, मैं आपको पूरे 10 पॉइंट्स में यह बताऊंगा कि देश में कहां कहां दंगा हुआ, देश में दंगा क्यों हुआ और किस तरह से इन दंगों में देखा जाए तो हिंदुओं को ही टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, यानी दंगे के पीड़ित भी हिंदू हैं और इसके बाद भी लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी इन्हीं हिंदुओं पर ही फेंके जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की। यह खबर हर जगह पे है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बहुत ज्यादा पत्थरबाजी हुई है। वहां पे एक जगह है रेजी नगर और रेजी नगर नाम की उस जगह में हिंदू अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन उसी शोभा यात्रा के दौरान छतों पर से जो जिहादी कट्टरपंथी थे उन्होंने उन शोभा यात्रा कर रहे हिंदुओं पर पत्थर फेंके। न सिर्फ पत्थर फेंके बल्कि उनके ऊपर बम भी चलाए। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी लगातार चुनाव प्रचार में ये कह रही थी कि मुर्शिदाबाद में और मालदा में रामनवमी पर दंगे होंगे और अप्रत्यक्ष रूप से वो दंगे का आरोप हिंदुओं पर लगा रही थी कि हिंदू दंगा करेंगे। दंगे का आरोप बीजेपी वर्कर्स, कार्यकर्ताओं पर लगा रही थी। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ है, यहां उनकी पूरी पोल खुल गई है क्योंकि शोभा यात्रा पर पत्थर छतों से चले हैं और छतों से अगर पत्थर चले हैं तो इसका मतलब पत्थर इकट्ठे किए गए और अगर पत्थर इकट्ठे किए गए तो इसका मतलब कि योजना बना करके दंगा किया गया। तीसरा पॉइंट यह है कि इसी तरह से मुर्शिदाबाद के अंदर जब हिंदू अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे तो उस समय उनके ऊपर बम फेंके गए, इसका मतलब कि बम बनाए गए, यानी हिंदू हिंसा करते नहीं करते, रामनवमी की शोभा यात्रा में कुछ होता नहीं होता, ये तो बात की बात है, उसके पहले ही बम बना करके रख लिए गए थे और ये बम बनाकर रख के इसलिए गए थे कि रामनवमी की शोभा यात्रा में उपद्रव करना है, दंगे करने हैं। और ये साबित होता है इससे कि आखिर दंगाई कौन है। लेकिन ममता बनर्जी के आंखों पर जो है वोट बैंक की ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि साहब दंगा जो है वो तो यहां पे रामनवमी पे दंगा हिंदू कर रहे हैं, रामनवमी को बदनाम किया जा रहा है। चौथी सबसे बड़ी बात क्या है, बीजेपी के नेता जो पश्चिम बंगाल के हैं सुवेंदु अधिकारी, उन्होंने यह कहा है कि मुर्शिदाबाद के अंदर जब दंगा हो रहा था, जब पत्थरबाजी चल रही थी, अगर देखा जाए तो इस सबके विक्टिम कौन थे, इस सबके विक्टिम तो हिंदू थे जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे क्योंकि उनके ऊपर उनके त्योहार में खलल डाला गया। लेकिन इसके बाद भी देखिए जो वहां पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए वो वहां पे शोभा यात्रा निकाल रहे हिंदुओं पर छोड़े गए, यानी वोट बैंक के लालच ऐसी है कि जो विक्टिम है उसी को ही पुलिस भी उत्पीड़ित करने का काम कर रही है। ये चौथा बड़ा पॉइंट। और पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट ये है मित्रों कि मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। ये आंकड़े मुर्शिदाबाद के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन के परसेंटेज के आंकड़े हैं। देखिए मुर्शिदाबाद में जो मुस्लिमों की आबादी है वो 66.88% है, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा जो आबादी मुसलमानों की है वो मालदा के अंदर है 51.27%, और इसके बाद 49.92% जो आबादी है वो उत्तर दिनाजपुर के अंदर है। यानी कि दो सबसे जो बड़े मुस्लिम बहुल जिले हैं मुर्शिदाबाद और मालदा, यहीं पर रामनवमी के ऊपर पत्थरबाजी होगी, दंगा होगा, इन्हीं दो जिलों का बार बार नाम कौन ले रहा था, ममता बनर्जी ले रही थी। यानी अगर देखा जाए तो यह बिल्कुल साफ है
कि जहां पे मुस्लिम डोमिनेंस है वहां पे जो हिंदू हैं वो अपने पर्व और त्योहार सही तरीके से नहीं मना पा रहे हैं। आखिर जहां पे पहले से ही मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है और जहां पे पता है हिंदुओं को कि यहां पे अगर कुछ भी होगा तो पिटेंगे तो हिंदू ही, आखिर ऐसी जगह पर हिंदू दंगा क्यों करेगा? जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह पर अपनी आबादी का फायदा उठाकर दंगा कौन करेगा, सबको पता है। लेकिन इसके बाद भी सिर्फ चूंकि हिंदू जो मुर्शिदाबाद का और मालदा का जो हिंदू है वो ममता बनर्जी के लिए वोट बैंक नहीं है, वो ममता बनर्जी को वोट देता नहीं है, इसीलिए ममता बनर्जी कभी उसकी बात भी नहीं करेंगी। जो छठा सबसे बड़ा पॉइंट है मित्रों, वो मैं आपको बात करना चाहता हूं जरा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की, लेकिन उसके पहले बात करूंगा मैं, लेकिन उसके पहले आपको दिखाता हूं कि दंगे आखिर कहां कहां पे हुए। जरा देखिए दंगे कैसे कैसे हुए। मुर्शिदाबाद दंगा हुआ देखा आपने, इसके अलावा देखिए झारखंड में बवाल, रामनवमी जुलूस पर पथराव, मजिस्ट्रेट और दरोगा समेत कई घायल। झारखंड में हजारीबाग में दंगा हुआ है, यहां पर पुलिस से झड़प हुई है। इसके अलावा ये एक और जगह झारखंड की है जिसका नाम है पिंडरा जोरा, यहां पर भी जो है दंगा हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में भी दंगा हुआ है और जो पूर्व मेदिनीपुर है वहां पर भी आगजनी हुई है, यानी कि राम नवमी के मौके पर वहां पे झड़प हुई, आगजनी हुई। तो अब देखिए बात दरअसल ये है कि आप जरा इसको पढ़िए, हेडलाइंस क्या लिखी हुई है। आतंकी हमले से भड़का दंगा, जख्मी बिशप बोले हमलावर के लिए प्रार्थना करो, अरबी बोलने वाले ने चर्च में घुसकर घोंप दिया था चाकू। समझ रहे हैं मामला क्या? मोदी ने क्या कहा इस पर, आगे बात करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो क्या है, आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर ना तो कोई रामनवमी का शोभा यात्रा निकली, ना वहां पे कोई बजरंग दल है, क्योंकि ये आरोप लगाते हैं कि दंगा बजरंग दल करता है। लेकिन सिडनी के अंदर एक चर्च में जहां पे एक बिशप एक पादरी अपना कोई प्रवचन दे रहे थे ईसाइत के हिसाब से, वहां पर 15 साल के एक फिलिस्तीनी जिहादी कट्टरपंथी ने चाकुओं से बिशप को मारा, बिशप को घायल कर दिया, और बिशप को घायल करने के बाद ये वहां पे मजहबी नारे लगाता रहा, कई लोगों को इसने वहां पे घायल किया, आखिर इसको पकड़ा गया। अब आप देखिए कि चाहे सिडनी हो चाहे मेदिनीपुर हो, हर जगह पर ये जो जिहादी सोच के कट्टरपंथी हैं, ये किसी अन्य को अपने पर्व और त्योहार अपने रीति रिवाज मनाने नहीं दे रहे हैं। अभी तो सातवां पॉइंट था मित्रों। आठवां पॉइंट ये है कि हैदराबाद के अंदर जो हिंदुओं ने रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन वहां पर उनको अनुमति नहीं मिली। अनुमति क्यों नहीं मिली? वही एक विशेष समुदाय, जिहादी सोच कट्टरपंथी लोगों का जो डर कि पत्थरबाजी होगी, रामनवमी होगी, दंगा फसाद होगा, इसीलिए वहां पे हिंदुओं को रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं मिली हैदराबाद को। अगर हम अपने रीति रिवाजों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, अगर रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आखिर फिर इसका मतलब कि अभी हिंदू स्वतंत्र ही नहीं हुआ है, फिर इसका मतलब कि हिंदू परतंत्र है अभी, और हिंदू की रक्षा भारत का संविधान नहीं कर पा रहा है, इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है। नवा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो मित्रों ये है कि हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर चाहे हनुमान जयंती हो चाहे रामनवमी हो, जब भी हिंदू अपने कोई पर्व त्योहार शोभा यात्रा निकालते हैं तो उनके ऊपर एक स्ट्रेटजी के तहत दंगा किया जाता है, स्ट्रेटजी के तहत उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। क्या ये पत्थरबाजी इसलिए हो रही है कि हिंदू अपने पर्व और त्योहार मनाना छोड़ दें? आखिर इस देश के अंदर और भी बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन किसी भी दूसरे धर्म के लोगों के त्योहार शांतिपूर्वक बीतते हैं, क्योंकि वो कहीं से भी उनके खिलाफ ना कोई पत्थरबाजी होती है, ना उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र होता है, ना उनके खिलाफ कोई प्लानिंग होती है, ना उनके खिलाफ कोई बम बनाए जाते हैं, ना पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो रामनवमी आने से पहले ही कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे पत्थर इकट्ठे करना बम बनाना शुरू हो जाता है। इससे समझ में आता है कि कई सालों से हिंदुओं के एक तरह से उनके मनोबल को, उनके त्योहारों को खत्म करने की, उनके मनोबल को तोड़ने की बड़ी साजिश हम देख रहे हैं। और दसवें नंबर पर मित्रों मैं प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनाना चाहूंगा। करौली जहां पर की बड़ा दंगा हुआ था राजस्थान के अंदर,
हिंदू त्योहारों पर। उस जगह पर प्रधानमंत्री राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली की थी और वहां पर रामनवमी पर पत्थर बरसाने वालों को किस तरह से प्रधानमंत्री ने नताड़ा था, जरा सुनिए एक बार। 60 साल सत्ता संभालने वाली कांग्रेस के पापों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन आज मैं राजस्थान की धरती से कांग्रेस का एक महापाप बताता हूं। ऐसा महापाप जिसकी कोई माफी नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। ये महापाप है राजस्थान के सम्मान और पहचान के साथ खिलवाड़ का। कांग्रेस ने राजस्थान में वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का गंदा खेल खेला। ये वो धरती है जो मदन मोहन जी के विग्रह की रक्षा के लिए अपने बलिदान देने के लिए तैयार हो गई थी। उसी धरती पर कांग्रेसी नेताओं ने तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के लिए मंदिरों को गिराकर उनकी जमीनें कब्जा की। यहां रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते थे। जिस राजस्थान ने धौलपुर ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए पत्थर भेजे, उसी राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। इन लोगों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार तक किया। इंडी गठबंधन में इनकी साथी पार्टी सनातन को नष्ट करने की बात करती है और ये कांग्रेस वाले उनके मौन समर्थन में खड़े रहते हैं। साथियों, आप बताओ, कांग्रेस का ये पाप माफी लायक है क्या? ऐसे पाप को माफ किया जा सकता है क्या? इन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और इस बार जब आप 19 तारीख को वोट देने जाएं ना, तो बटन दबाते समय बटन ऐसे दबाइए ताकि ये पापियों को सजा देने का आपको संतोष मिले।